एंडमैन एंड द वास्प क्वांटमिनिया में बताया गया कि कैंग को क्वांटम दुनिया में फंसे हुए 25 साल से ज्यादा हो चुके थे। क्वांटम वर्ल्ड और कैंग के बारे में काफी कुछ इस मूवी में हमें बताया गया। जब कैंग ने सिर्फ एक सिग्नल से इस मूवी में सभी को क्वांटम दुनिया में खींच लिया था, तो फिर एंडमैन एंड द वास्प के पोस्ट क्रेडिट के दौरान उसने स्कॉट और फैमिली के साथ ये क्यों नहीं किया और कैंग एंडगेम में एंडमैन से क्यों नहीं मिला? इन्हीं सवालों को हम इस वीडियो में डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंडमैन की पहली दोनों फिल्म्स में क्वांटम रियम के बारे में हमें काफी कुछ समझाया गया। इतना ही नहीं, एंड गेम में क्वांटम रियम के टाइम मैनिपुलेशन को भी हम समझ पाए। क्वांटम रियम के थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, ये हमें स्कॉट लैंग के वहां फंसने की वजह से ही पता चला था। एंडमैन एंड द वास्प के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपना भाई स्कॉट क्वांटम रियम में फंस जाता है, क्योंकि थैनोस के स्नैप की वजह से होप, जैनेट और हैंक पिम तीनों डस्ट हो चुके थे और स्कॉट को फिर बाहर निकालने के लिए कोई बचा ही नहीं था। और फिर एंट्री होती है हमारे सेवियर लॉर्ड चूहे की। एंडमैन वहाँ 5 साल के लिए फंसा हुआ था, फिर भी कैंग उसे ढूंढ नहीं पाया। ऐसा क्यों? कैंग यहाँ स्कॉट को आराम से ढूंढ सकता था, पर स्कॉट के हिसाब से वो खुद क्वांटम रियल में सिर्फ 5 घंटे के लिए फंसा था और दूसरी तरफ असली दुनिया में 5 साल गुजर गए थे। इतने कम वक्त में ना स्कॉट किसी से मिल पाया, ना कैंग के पैदे उसे ढूंढ पाए। और दूसरी तरफ आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस वक्त जैनेट भी इस एक्सपेरिमेंट में उनके साथ में थी। जैनेट ने इस दुनिया में पूरे 30 साल बिताए है, इस वजह से वो स्कॉट को कैंग के लोगों से दूर रख ही पाएंगी। ये भी हो सकता है कि जैनेट ने शायद स्कॉट को क्वांटम रियल में ऐसी जगह पर भेजा होगा जहां कोई उसे कांटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। यही रीजन हो सकता है कि क्यों कैंग स्कॉट से नहीं मिल पाया। पर फिर अब सवाल ये उठता है कि जैनेट क्वांटम रियल में कैंग से कैसे मिली? इस सवाल को भी अधूरा ही छोड़ दिया गया। जैनेट 30 साल तक क्वांटम रियल में रही। कैंग के आने से पहले वो खुद इस रियल में काफी सारे साल गुजार चुकी थी। ये परफेक्टली एक कोइंसिडेंस था कि कैंग का शिप जैनेट के घर के पास ही क्रैश हुआ। अगर ऐसा नहीं भी होता तो वो कैंग से आगे जाके मिल ही लेती, क्योंकि कैंग की टेंडेंसी है किसी भी दुनिया को जीत लेना, और जब वो क्वांटम वर्ल्ड को जीतना शुरू करता तो जैनेट उसके रास्ते में जरूर पड़ती। जैनेट ने क्वांटम रियल के बारे में इस मूवी में काफी कुछ रिवील किया, उसी ने इस दुनिया के राज हमारे सामने रखे। मुझे लगता है कि इस वीडियो के साथ आपके ये 2 सवाल क्लियर हो चुके होंगे। और किसी बात को लेकर अगर आपके मन में कंफ्यूजन होगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।